अभी 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, फिर ट्रिप जीरो करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं माइलेज टेस्ट। बाइक अभी रन हुआ है 37.4 किलोमीटर एंड अभी तक फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ। जितना भी चलाओ जितना भी चलाओ इसका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। आते वक्त देता हूँ ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। एंड आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाला हंटर 350। आज हम इसका माइलेज टेस्ट करने वाले हैं एंड मैं 1 लीटर पेट्रोल ऑलरेडी खरीद चुका हूँ पेट्रोल पंप से। अभी बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल बचा है, पहले इसे चला के ख़त्म करते हैं, उसके बाद ट्रिप जीरो करूँगा, आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊँगा कि टैंक में पेट्रोल है कि नहीं, फिर चलाएँगे घूमेंगे एंड बाइक का सिटी माइलेज टेस्ट करेंगे ऑनेस्टली। बाकी पेट्रोल को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बैग नहीं है रखने के लिए। सो लेट्स गो फ्रॉम हियर, घूमते हैं बाइक का पेट्रोल ख़त्म करते हैं। तो गाइज मैं घूमते घूमते पेट्रोल पंप से 4-5 किलोमीटर आ चुका हूँ बट अभी तक गाड़ी का स्टॉक पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, बट गाड़ी अब धीरे धीरे झटके मार रही है, तो वेट करते हैं कब ख़त्म होता है, शायद अभी हो जाए ख़त्म। तो यहाँ से मैं अनगुल की तरफ टर्न हो जाता हूँ, अनगुल का एक चक्कर लगा के आएंगे। अभी ही शायद ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे पास नीचे एक है 1 लीटर का पेट्रोल, ये डालेंगे एंड टेस्ट करेंगे। पर गाइज मुझे एक बैग लेके आना चाहिए था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ये बोतल की वजह से, ऐसे बीच में फंसा के रखा हो ना भाई, लिटरली बहुत अजीब लग रहा है, ऊपर से गिरने का डर रहता है। ख़त्म क्यों नहीं हो रहा भाई? तो ये हंटर 350 का डैपर ग्रे कलर है। बाकी ये बाइक का माइलेज ना बहुत ही बढ़िया है, इंजन मिलता है 350 सीसी का, पावर प्रोड्यूस करता है 20 BHP एट 9100 RPM, राइट। सो पावर फिगर ठीक है, 20 BHP का पावर है, उस हिसाब से माइलेज कितना देता है टेस्ट करेंगे, बाकी अच्छा खासा माइलेज दे देता है। ओ गिरते गिरते बचा अभी ये पेट्रोल, थोड़ा धीरे राइड करेंगे। सम कंस्ट्रक्शन आर गोइंग ऑन हेयर, आजकल हर जगह रास्ता बन रहा है, अच्छी बात है अच्छी बात है, बनाओ भाई अच्छे से बनाओ। दिस इज फॉर्ड एंडेवियर, फॉर्च्यूनर का कॉम्पिटिटर मैन। खत्म हो जा भाई पेट्रोल, जल्दी मुझे टेस्ट करवा के घर भी जाना है। अरे पता है ना अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, ठीक है, ऊपर से समर्स शुरू हो रहे हैं भाई, ऑलरेडी मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ भाई, अब कितना घूमना पड़ेगा। आते वक्त देता हूँ ना, आते वक्त देता हूँ। जिस दिन हम ढूंढ रहे होंगे ना कि भाई पेट्रोल खत्म हो जा, उस दिन नहीं होगा। जिस दिन फ्रेंड के साथ घूम रहे होंगे, पास में पैसा नहीं होगा बट बोल रहे हो कि नहीं भाई चल जा थोड़ा इतने में, चल जा इतने में, उसी दिन ही ख़त्म हो जाएगा भाई, क्या ट्रेजेडी है यार। तो भाई जो अभी एक बार स्टार्ट बंद हुआ, गाड़ी का स्टार्ट पूरा बंद हो गया, अभी नहीं हो रहा देख सकते हो। नहीं स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, अब फ्यूल इंजेक्टर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, और एक बार आपके सेटिस्फेक्शन के लिए स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। लेट मी पुट इट इन न्यूट्रल, ओके न्यूट्रल, देखो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अभी 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, फिर ट्रिप जीरो करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं माइलेज टेस्ट। धीरे धीरे धीरे, आओ ठीक है, बोतल खाली, बाकी ये बोतल मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि अगर जहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा फिर बीच में कहीं से पेट्रोल पंप देख के ना मुझे इसमें आधा पेट्रोल रखना पड़ेगा, किसी अजीब जगह पर ख़त्म हुआ ना तो बचाने भी कोई नहीं आने वाला। ऑल टायर्ड अप, ट्रिप मीटर है 38.4, अभी से जीरो करते हैं, ओके 0.0 किलोमीटर, ये है ट्रिप ए, अभी चलाना स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कहाँ पर ख़त्म होता है।
तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा था, अभी स्टार्ट हो गया। 0 किलोमीटर एंड स्टिल रनिंग। ओके चलो अभी मैं घूम ही लेता हूँ, बाकी इतना धूप में घूमने में ना पूरा हालत टाइट हो रहा है। लिटरली अंकल ना बिना इंडिकेटर दे के बीच में घुस रहे हैं भाई। आज माइलेज टेस्ट की वजह से हमारा एक्सीडेंट भी करवाते हैं ये अंकल। भाई देख रहे हो ना कैमरा में, आपका सही होने से भी साइड से लोग आपको ठोक सकते हैं, इसका ध्यान रखना हमेशा। एंड हाँ, अगर ऐसे वीडियो करता रहूँगा तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में अपडेट देता रहूँगा कि कितना किलोमीटर रन हुआ। गाइस अभी गाड़ी चल चुका है 4 किलोमीटर एंड मैं जा रहा हूँ जिंदल मंदिर के साइड, क्योंकि अनुगुल में ना 4-5 चक्कर लगा लूँगा बट इसका फ्यूल ख़त्म नहीं होगा। तो सीधा चलते हैं जिंदल मंदिर के साइड, फिर वहाँ से रिटर्न आएंगे, आते वक्त शायद ख़त्म हो चुका होगा। यहाँ पर ही मंदिर है साइड में, देखो ये छोटा सा गेट है जिंदल मंदिर के अंदर। मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जाने वाला क्योंकि अब माइलेज टेस्ट करने आया हूँ, तो क्या ही घूमूंगा मंदिर के अंदर जाके। बाकी इस साइड का व्यू बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं गाड़ी कितना रन हुआ है। 9.9 किलोमीटर देख सकते हो ना कैमरा में, हाँ दिख रहा है। सो आई थिंक लेट्स टेक ए यू टर्न फ्रॉम हियर, और आगे जाना भी नहीं है मुझे क्योंकि रोड ऐसे ही खाली है, बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, तो इससे अच्छा मैं अनुगुल की तरफ चला जाऊं। ओके देन वी आर गोइंग बैक फ्रॉम जिंदल टेंपल, मिलते हैं आपको कुछ समय के बाद। नाउ आई एम एट डेरजंग डैम, अभी ऊपर से जाएंगे एंड नीचे वाले रास्ते से आएंगे, क्योंकि अभी ना अब रोड पे घूमने का और मन नहीं हुआ, थोड़ा बोर लगा, तो इधर डेरजंग डैम के लिए आ गया मैं। सो हियर इज द डैम, ब्लॉग में तो बहुत बार देखे होगे तुम लोग। बाकी अभी गाड़ी हमारा चला है 18.9 किलोमीटर, सो लेट्स सी कितना दूर और चलता है। बाकी अभी चलाते चलाते मुझे एक रियलाइजेशन हो रहा है कि हंटर इज ओनली फॉर शॉर्ट राइडर्स ओनली, क्योंकि अगर ना हंटर को हम ऐसे लॉन्ग राइडर चलाते हैं मेरी तरह, तो मेरे कमर में एंड मेरे पैर में दर्द होने लगा है। लिटरली मुझे झुक के बैठना पड़ रहा है ऐसे, मैं सीधा ऐसे स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहा। ऊपर से मेरे पैर, भगवान इतने लंबे लंबे पैर रख के ही भाई प्रॉब्लम है हंटर के लिए। सो मैं ये बताऊँगा कि लॉन्ग राइडर्स ना हंटर की तरफ मत ही जाओ, जो शॉर्ट राइडर्स है उनके लिए हंटर एक काफ़ी अच्छा बाइक है, बाकी लॉन्ग राइडर्स डोंट गो फॉर इट, नॉर्मल क्लासिक की तरफ जाओ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आई एम स्टैंडिंग ऑन द व्हीकल क्योंकि इतना दर्द कर रहा है कमर ना, अब सहा नहीं जा रहा। ओके नहीं, इसको खड़े होके भी कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हैंडल बार को अगर थोड़ा रेज कर देंगे तो ईजी रहेगा चलाने के लिए। तो गाइस मैं डेरजंग डैम से अनुगुल आ चुका हूँ एंड गाड़ी मेरा चला है वेट 29.1 किलोमीटर। लेट्स सी अब और कितना चलता है। आई एम एट पेट्रोल पंप, गाड़ी हमारा चला है 31.8 किलोमीटर, अभी स्पेयर पेट्रोल भर लेते हैं। तो चलते हैं अभी नालको की तरफ क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी बहुत चल चुका है, मुझे लगता है अब 5-7 किलोमीटर में बंद ही हो जाएगा। तो गाइज आई एम एट नालको एंड बाइक अभी रन हुआ है 37.4 किलोमीटर एंड अभी तक फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ। लिटरली इस टेस्ट में मैं बाइक को बहुत एग्रेसिवली चलाया है, ट्रैफिक में बहुत वेट किया है एंड रेव भी बहुत किया है इंजन को, फिर भी इतना चल गया एंड अभी भी चल रहा है। My God, I think the result is going to shock you all.
तो गाइस गाड़ी अभी थोड़ा थोड़ा झटके मारने लगी है, ठीक है, थोड़ा टाइम वेट करो, मैं आप सबके सामने इसका माइलेज अनवील करूँगा। बाकी यार ये बाइक ना जितना भी चलाओ इसका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। तो गाइस गाड़ी का स्टार्ट बंद हो चुका है, ओके फाइनल इट्स ओवर, और दो तीन बार स्टार्ट करके देखते हैं। ओके Let's give it a last run. Literally अभी खत्म नहीं हुआ, the mileage is shocking. Okay, it's slowing down. हाँ the accelerator is on but it's slowing down. It's over. Over for the bike. गया। Let's start again. Oh man, finally it's over. God. So here is the Hunter 350. बाकी इतना चलाने के बाद ना पता चला कि इस गाड़ी में बस शॉर्ट राइडर ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लॉन्ग राइडर बैठ नहीं सकते, एंड इसका माइलेज इतना अच्छा निकलेगा मैंने लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द माइलेज ऑफ 2023 रॉयल एनफील्ड हंटर 350। सो लेट्स जंप। ओके हियर इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दिस इज ट्रिप एफ, ओडोमीटर ट्रिप ए, आपको पता होगा हमने जीरो किया था, नाउ इट्स 43.1 किलोमीटर। Literally man, 43.1, this is very satisfying. अगर कोई माइलेज की वजह से कंसर्न है एंड हंटर 350 नहीं ले रहा ना, ये वीडियो तुम देखो कितना शॉकिंग रिजल्ट है, 43.1 किलोमीटर मैन, दैट्स अमेजिंग। अभी जो स्पेयर पेट्रोल में लाया हूँ उसे फिल करते हैं बाइक में, गॉड। एक लास्ट ट्राई दे एक्सीलेटर को, नो ब्रो नो इट्स ओवर। सुभाष वीडियो में देख रहा है ना तेरा गाड़ी कितना अच्छा माइलेज दे रहा है, पी जा, इतना खाली टंकी तू पहले से भी नहीं हुई कभी। ओवर, ये बोतल को साइड में नहीं फेंकेंगे यार, रख लेते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। सो गाइज आई होप आप लोगों को इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मिला होगा जिसके लिए आप इस वीडियो में आए थे। तब तक के लिए इस वीडियो के लास्ट में मैं KTM Duke 390 का माइलेज टेस्ट का वीडियो दे दिया हूँ और एक स्पेशल वीडियो आपके लिए दिया हूँ जिसके वजह से आप इस गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं, आप किसी भी गाड़ी से ना माइलेज ज़्यादा पा सकते हैं। वो दोनों वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना, जल्दी ही मिलते हैं आपको किसी और नए ब्लॉग में। टिल देन दिस इज पिंकुन मोटो ब्लॉगर साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइज़।